देख रहा हूँ सर। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल हैं आप सबके? आई होप मेरी तरह हो गए बढ़िया ही, हो गए बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ये है आइसर की 10 चक्की गाड़ी। तो ये देखिए इसका अगली कमानी का पटा टूटा हुआ है, मतलब लीफ स्प्रिंग का पटा टूट रहा है। ये मेरे ख्याल से 15-16 मॉडल गाड़ी है। तो इसको जैक लगा के हम खोलने लग रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, आपको पता ही है, लेकिन देखो दिक्कत कोई नहीं है इस गाड़ी में। देखो आइसर हुई, भारद्वाज है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, दिक्कत कोई नहीं है, गाड़ी बहुत बड़ी है। मजबूती के हिसाब में टाटा से ज़्यादा मजबूती है इनकी, चाहे आप इसका फ्रेम ले लो या लीफ स्प्रिंग कुछ भी ले लो। दोस्तों सिर्फ मतलब भारत बेंज है या ये होगी अपनी आइसर होगी या कोई भी है, जो भी है AMW वगैरह या लेलैंड होगी, इन गाड़ियों में दिक्कत कोई नहीं है। मजबूती के हिसाब से सबसे बेस्ट है, टाटा से भी बेस्ट मैं कहूँगा इन्हें। गाड़ी तो देखो सारी अच्छी हैं। देखो जिस हिसाब से काम का हमें पता है ना, तो काम के हिसाब से देखो अगर कोई स्पेयर पार्ट है या हम वर्क कर रहे हैं उस गाड़ी का जल्दी करना है, तो उसके हिसाब से टाटा बेस्ट है। और मजबूती के हिसाब से लेलैंड होगी या आइसर है या जो दूसरी हमारी होती है भारत बेंज, मजबूती के हिसाब से ये गाड़ियाँ एक नंबर में कहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसकी हम कमानी खोलते हैं। और भाई को मैंने कहा कि आप पट्टा ले आइए जो इस कमानी का पट्टा टूट रहा है। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी स्पेयर पार्ट की बस थोड़ी सी मिलने की दिक्कत होती है। चलो अब तो मिलने लग गया, टचवुड कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सेंटर बोल्ट या लीफ स्प्रिंग का पट्टा है या छोटा मोटा जो भी सामान है वो मिल जाता है। तो ऐसे जो बड़ा सामान हो जाता है ना, जैसे कोई क्रॉस मेंबर है हमारे टाइप का जो सामान है, देखो इंजन से रिलेटेड मैं कहूँगा, जो हमारे टाइप का सामान है कमानी का या फ्रेम का या नट बोल्ट कुछ भी है वो सब मिल जाता है। तो बस इसका हम पट्टा खोलने के लिए गाड़ी उठा रहे थे, तो गाड़ी काफ़ी उठानी पड़ी, तो आगे प्रेशर जैक से काम नहीं चला, तो साइड में मैंने चूड़ी वाला जैक लगवाया और बस इसके नीचे गुटका देके वो रकाब खोलने के लिए नीचे जैक कट रहा था, तो गुटका लगा के हमने जैक साइड में कर दिया। तो बस अब इसको हम कमानी को नीचे घेरेंगे। नीचे घेर के भाई कह रहा है कि मुझे पट्टा दे दो, मैं पलटे में ले आता हूँ। नहीं तो देखो हमारे दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे यहाँ तो, बाकी आपके यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो मोस्टली 99% मतलब 99% पटे पुराने ही लेके पलटा पलटी करके और वही डल जाते हैं, चाहे नई गाड़ी है चाहे कोई पुरानी गाड़ी है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके अगर कोई कमानी का काम करवाते हो तो आप लोग नया पट्टा डलवाते हो या मतलब पुराना ही अल्टा पल्टी आपके भी यहीं यही चलता है। कि हमारे यहाँ तो यही कबाड़ी से पट्टे मिल जाते हैं, दूसरी ले आते हैं, ये उनको पलटे में दे आते हैं पट्टा। तो ठीक है दोस्तों, बस इसको खोल के भाई कह रहा कि पट्टा ले आऊँ। वो हुआ सीन क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ। भाई पट्टा ले आया था अभी, तो जो वो पट्टा लेकर आए वो ले आए थे टाटा की गाड़ी का। तो मुझे देख के थोड़ी हंसी भी आई और मैं कह यार कमाल है, तुम्हारे पास आइसर है तो कम से कम उसे बताओ तो सही भाई मेरे पास आइसर गाड़ी है। और आइसर का पट्टा और टाटा के पट्टे में दोस्तों थोड़ा सा फ़र्क ही होता है, वो थोड़ा सा मतलब 2.5 इंच का होता है चौड़ाई में, ये लगभग 3 इंच का चौड़ाई में होता है पट्टा, तो थोड़ा चौड़े नेड़े का फ़र्क होता है। और सेंटर बोल्ट भी इसमें 22 नंबर का आता है दोस्तों आइसर में, और टाटा में आगे आता है 19 नंबर का, पीछे आता है 24 नंबर का। दोस्तों भाई पूरे 1.25 घंटे बाद वापसी आया। तो दोस्तों भाई वो टाटा का पट्टा वापसी करके ये आइसर का ही पट्टा, मैंने कहा आइसर का लेके आना, इनकी साफट भी खोल रखी है, वो भाई साफट कर रहा है इंजन वाला। तो मैंने अब पट्टा मंगवा लिया है, अब इसको मिलाएंगे बस। देखो हर चीज़ ओके है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बस दिक्कत थोड़ी दोस्तों वहीं होती है जब स्पेयर पार्ट के लिए 1-1.5 घंटा देखना पड़ता है सामान को। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, सामान तो मिल ही जाता है, टाटा का तो ये है फ़ोन मारा सामान सीधा वर्कशॉप पे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इन गाड़ियों में थोड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी ओके है, गाड़ी की टेंशन कोई नहीं है। एक भाई का मुझे मैसेज आया था कि सर जी आप पता नहीं कौन सी थी, हाँ लेलैंड की भी, कभी आप तारीफ़ कर दिया करो। मैं कौन होता हूँ यार तारीफ़ करने वाला,
दोस्तों हम तो अपने काम के हिसाब से तारीफ कर देते हैं, अभी इसका सामान जल्दी मिल जाता है, उसका थोड़ा हिसाब से मिलता है, बस फर्क यही होता है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेम में इस गाड़ी का लेलैंड है, 55-25-22 मॉडल गाड़ी है, तो इसकी भी वीडियो 2-3 दिन तक आप तक पहुँच जाएगी, रेडी हो चुकी है वीडियो बस। तो ये हम कमानी का पट्टा हमने मिला दिया है और बस ये बांध कर इसको हम चढ़ाएंगे ऊपर। तो बस भाई पहले पट्टा वो ले आया, हमने तो खैर अब पट्टा चेंज कर दिया है। तो बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए आप वीडियो और बस इसको चढ़ा के इस गाड़ी को रवाना करेंगे। तो दोस्तों जो मेरी आजकल की वीडियो पे जो आप लोग कमेंट करते हो दोस्तों, उससे बड़ा जो आप प्यार भेजते हो बड़ा अच्छा लगता है आपको, मतलब आपके कमेंट जब पढ़ता हूँ मैं, तो कोई आसाम से है, कोई इटली से है, कोई सऊदी अरब से है और कोई मेरा भाई गुजरात से है। तो दिल से धन्यवाद दोस्तों आपका, इस तरह बस प्यार बनाए रखिए। तो जो मेरे भाई प्यार मुझे भेजते हैं उनका नाम है जाट भाई हैं और जावेद सोफी जी हैं, शहजाद खान और सनी व्लॉग, शौकी पंजाबी 90, अजीत सिंह यादव और लास्ट में अपने आलम भाई। दोस्तों आप सबका दिल से धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को और इसको फिटिंग कर रहे हैं हम बस। तो दोस्तों ये सेंटर करना पड़ रहा है, इसका मतलब जब हमने कमानी खोली थी ना, कम से कम 2-3 इंच हिस्सा पीछे चला गया था, मतलब फ्रंट एक्सल, तो उसको हम सेंटर करके और इसके सेंटर बोल्ट नीचे फंसा देंगे और बस इसका फिटिंग, देखो अंधेरा भी हो चुका है भाई, इसको फिटिंग करके और बस इसको फिट करके रकाब खिंचवा के गाड़ी को रवाना कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है टाइम टू टाइम। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। तो ये रकाबे खींच के बस इसका काम फाइनल हो चुका है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय।